हे गाइस, वेलकम बैक टू माय शो। मेरी क्रिसमस टू ऑल। आज क्रिसमस है तो केक बनाना तो बनता है, तो चलिए आज मेरा फेवरेट और आप सबका फेवरेट चॉकलेट केक बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द केक। सो फ्रेंड्स, चॉकलेट केक बनाने के लिए हमको ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये ऑल पर्पस फ्लोर मैदा है, इस कप के हिसाब से 1 कप। ये डस्ट शुगर यानी कि शुगर को मिक्सिंग ग्राइंडर में डाल के मिक्स कर लेना तो वो डस्ट शुगर बन जाएगा। ये भी इसी कप के हिसाब से 1 कप है। क्रीम यानी कि व्हिप्ड क्रीम, मिल्क 3 चम्मच, कोको पाउडर, मेल्टेड बटर उसी कप के हिसाब से वो 3/4 पोर्शन, 4 एग, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, प्रोमिग्रेटेड शीट गार्निशिंग के लिए जब हम डेकोरेट करेंगे उसके लिए, ये वैनिला एसेंस, ये चॉकलेट सिरप है ऑप्शनल, ये चॉकलेट डार्क चॉकलेट है और ये मिल्क चॉकलेट है, ये भी गार्निशिंग के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक को फेंट लेंगे, चारों एक को तोड़ लेंगे। तीन और ये लास्ट 4। बस अब हम इस हैंड ब्लेंडर की मदद से, ये मशीन है, आपके पास ये ना हो तो आप जो नॉर्मल मशीन नॉर्मल ब्लेंडर होता है उससे भी कर सकते हो। इससे हम इसको फेंट लेंगे, इससे करते हैं तो ये ज़्यादा आसान होता है करने में। इसको तब तक फेंटेंगे जब तक इससे फेना ना आ जाए। ये देखिए आ रहा है फेना, बस हो गया ये। अब हम इसके साथ बटर मिक्स करेंगे और दोनों को फिर से फेंट लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। बस इसको साइड में रख देते हैं। फिर नेक्स्ट हम छाकनी लेंगे और इसमें मैदे और शुगर को ऐसे पीस लेंगे और ये जो बचा हुआ होगा उसको फेंक देंगे, छान लेंगे ऐसे अच्छे से। और फिर कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट एक साथ ऐसे छान लेंगे। ये छानना बहुत ज़रूरी है केक के लिए। अब इसको मिक्स कर लिया, अब फिर से हम इसको फेंट लेते हैं थोड़ा सा, एक को, एग और बटर को। और फिर क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और फेंटते जाएंगे। एक साथ पूरा मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए और फिर फेंटते रहें ऐसे। फिर से डालेंगे और ऐसे फेंट लेंगे इसको भी, ऐसे हम पूरा कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो गया, तो हम थोड़ा सा मिल्क मिला लेंगे और इसी के साथ हम वैनिला एसेंस भी 1 चम्मच डाल देंगे, ज़्यादा नहीं 1 चम्मच, बस सेंट के लिए। बस इसको भी मिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, हम ये पैन लेंगे, केक पैन। अब इसके चारों ओर अच्छे से बटर लगाएंगे ऐसे ब्रश से। फिर हम इसके ऊपर बस अब इसके ऊपर थोड़ा सा डस्ट मैदा लगा देंगे और ऐसे बीच में इसको डाल देंगे हमारे बैटर को। बस ये पूरा डाल दिया हमने, अब ऐसे इसको माइक्रोवेव में डाल देंगे हाई फ्लेम में 30 मिनट्स के। बस हो गया। अब हम इसको टूथपिक से ऐसे चेक करेंगे, अगर टूथपिक सही से निकल जाए, कुछ चिपक ना रहे, मतलब ये सही है। अब इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं हम। तब तक हम ये चॉकलेट ऐसे ऐसे कर लेंगे, ये गार्निशिंग के लिए हमको काम आएगा, ऐसे हम पूरा कर लेंगे। ये देखिए मैंने केक के
बीच से काट लिया है, ये थोड़ा भी गर्म है अभी भी। कोई बात नहीं, हम इसमें क्रीम लगाएंगे बीच वाले पोर्शन में और ऐसे अच्छे से लगा देंगे इसको। फिर ऊपर का पोर्शन इसके ऊपर रख देंगे, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। अब इसको हम ऐसे ऊपर रखते हैं ताकि हमारा, अब जो हम हमने जो चॉकलेट लिया था डार्क चॉकलेट, उसको हमने मेल्ट कर लिया है बटर के साथ, अब उसी को हम इसके ऊपर डालेंगे। मैं बाद में इसका रेसिपी भी आपको दिखा दूंगी ये कैसे करते हैं। इस चॉकलेट को इसके ऊपर डालना है और साइड में भी अच्छे से लगा देना है ऐसे। चारों ओर अच्छे से लगा देंगे हम और इसको ठंडा होने के लिए थोड़ा सा रख देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। बस हो गया, बस ये ठंडा हो गया थोड़ा सा। चलिए अब हम हमारा जो व्हिप्ड क्रीम है उसको हम पेपिंग बैग में डाल लिया है, अब इससे हम डेकोरेट करते हैं। ऐसे इसको बना लेंगे पेपिंग बैग से। डेकोरेशन काफ़ी अच्छा होता है तो आप ये यूज़ कर सकते हो कभी भी। मैं ऐसे बना लेती हूँ इसको पूरा सा। बीच में भी एक बना लेती हूँ। ऐसे डिज़ाइन कर देती हूँ इसके ऊपर तो ये काफ़ी अच्छा दिखेगा। अब साइड में भी लगा देते हैं क्रीम को। ताकि और अच्छा दिखे। बस ये हो गया। अब जो चॉकलेट हम डस्ट बनाए थे उसको हम ऐसे इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है इसके ऊपर ये, और बीच में भी जो गैप है उसके अंदर भी डाल देंगे और साइड में भी। वाह, काफ़ी अच्छा दिख रहा है ना। बस अब जो पॉमीग्रेनेट शीट है उसको हम ये जो हमने बनाया है इसके ऊपर एक एक करके डाल देंगे। बस इट्स कंप्लीट। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक चॉकलेट केक बन के रेडी हो गया है। आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत सॉफ्ट भी बना है। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मैं और वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।